हेलो दोस्तों, मैं देवाशीष एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन की अगली सीरीज के साथ। आज मैं आपको देखिए दोस्तों बात करूंगा उन चीजों की जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं MCQ जिन्हें हम कहते हैं वो क्वेश्चन के बारे में। वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हड्डी यानी कि बोन। अब बात करें हम पूछा जाता प्रश्न बताइए सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पर होती हैं, ठीक है, बड़ी हड्डियां कहाँ पर होती हैं, या फिर हाथ हमारे शरीर के इस स्थान पर कितनी हड्डियां होती हैं, कितने तरह की होती हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर अब हम लोग अपनी आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी अपडेट है उन तक कंटिन्यूअस और रेगुलरली पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जैसा कि जानते हैं जो मनुष्य का शरीर होता है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियां होती हैं, ठीक है, कुल हड्डियां, तो देखिए कुल हड्डियां जो होती हैं वो हमें पता है ना कुल टोटल कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं हमारे पास। ठीक है, जो कुल हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 206। ठीक है, और यहीं से याद रखिएगा लेकिन जब हम बात करें बाल्यावस्था की, ठीक है ना, बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में ऐसा माना जाता है कि 208 हड्डियां होती हैं बाल्यावस्था में। कितनी होती हैं, 208 हड्डियां। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक स्थानों पर जो हड्डियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिर यानी कि सर। ठीक है, तो जो सिर होता है यानी कि जो हमारा हेड है, ठीक है, हेड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं उनके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो जो सिर में कुल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 29। कितनी होती है, 29। बात समझ में आ रही है। अब इस 29 को भी कई पार्ट में इसे बांटा गया है। ठीक है, जो कपाल होता है हमारा, ठीक है, कपाल, मैंने हाँ ब्रेन की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप उसे वहां से देख भी लीजिएगा। ठीक है, कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 8 होती हैं। क्लियर है, दूसरा जो होता है जिसे हम फेशियल कहते हैं, क्लियर है, फेशियल में जो कुल हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 14। ठीक है, और जो फिर हमारा कर्ण वाला सेक्शन जो होता है यानी कि जो हमारा कान है उनमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 6। कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 6। अब देखिए कर्ण में भी मैं आपको बता दूं यहां से भी इनमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, वो क्या है, एक होता है मैलियस, एक होता है इनकस और एक होता है स्ट्रेप्स। मैं यहां नाम उनके लिख देता हूं। ठीक है, एक नाम क्या होता है, मैलियस, एक पार्ट है हमारा मैलियस, ठीक है, एक होता है इनकस, क्योंकि इनके इंग्लिश नाम भी यही है इस वजह से मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता जरूर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से इसे ध्यान रखूंगा। और स्टेप्स, मैलियस में भी 2 ही हड्डियां हैं, स्टेप्स में भी 2 ही और इनकस में भी 2 ही। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी है ये हमारी स्टेप्स, सबसे छोटी हमारे शरीर की। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस प्रश्न का आप ध्यान रखेंगे, कोई डाउट आपको यहां तक नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे हम फिर बात करते हैं जो हमारे सबसे जो, हाँ एक चीज मैं बता दूं ये यहां लिख भी देता हूं वरना आप लोग भूल सकते हैं, ये होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, तो यदि सबसे छोटी ये हो गई तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी, तो जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है जांग की हड्डी। क्या होती है, जांग की हड्डी, ठीक है, जिसका नाम होता है फीमर। इसका नाम क्या है, फीमर। ये कहां की हड्डी है, जांग की हड्डी है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारी कलाई की हड्डी है वो क्या है। ठीक है, एक एक पार्ट हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए मैं उसको पूरा लिख देता हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कितनी हमारी संख्याओं में इनकी बोन की नंबर्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कलाई की। ठीक है, तो देखिए कलाई की बात करें तो कलाई वाले, देखिए आप यहां से इस ट्रिक से भी मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कैसे आप याद कर सके इन्हें आसानी से, वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा ये, देखिए कलाई का हमारा जो पहला क देख सकते हैं आप यहां से, ठीक है, और यहां से कलाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पल्स। तो इसका भी आप पहला क देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करके आप देखिएगा तो फिर आप बहुत ही आसानी से इन्हें क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। ठीक है,
तो आप ये याद रख लीजिएगा कि कलाई में कितनी हमारी नंबर आप बोन रहते हैं, 16 रहते हैं, कितने रहते हैं 16, तो कलाई वाला पोर्शन क्लियर है, कलाई से ही कॉर्पस हो गया। बात करें हथेली की, तो देखिए हथेली में हथेली, अब देखिए कलाई हथेली से संबंधित है, तो जब भी संबंधित वाला पोर्शन रहेगा तो आप हमेशा उसके आगे मेटा लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा मेटा, तो देखिए मेटा कॉर्पस हो गया, वही ऊपर वाली ही नाम रहेगी, बात समझ में आ गई। इसमें कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, क्लियर है, यानी ये दोनों मिलकर के 10 और 16 26 हो गई, क्लियर है। उंगलियों की बात करें तो उंगलियां देखिए, उंगलियां हमारा फिंगर कहते हैं ना इंग्लिश में, तो उंगलियों से हमारा फैलेंजेस हो जाएगा, ठीक है, कितने रहेंगे 28 रहेंगे। आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप टिक कर लेंगे, आप एक से दो बार वीडियो देखेंगे और उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन में देखते ही आप आसानी से टिक कर लेंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इस बात को आप बिलीव करिए। एक बार में डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन हाँ दो से तीन बार में बिल्कुल असर करेगा, क्लियर है। तो आप इसे प्लीज, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार इसे आप आजमा के जरूर देखिएगा। बात करें जांग की, तो देखिए जांग में हमारी जैसे मैंने बताया था दो हड्डियां होती हैं जिन्हें फीमर कहते हैं, और यही सबसे क्या होती है, बिगेस्ट होती है, यही सबसे बिगेस्ट होती है, ठीक है ना, और सबसे छोटी जो होती है वो स्टेप्स होती है कान की, ठीक है। बात करें घुटने की, तो देखिए घुटने में भी हमारी कितनी है, दो हड्डियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पटेला, हम लोग कहते हैं ना उन्हें घुटने के बल पटक दो, क्या कहते हैं घुटने के बल पटक दो, तो यहां से आप याद कर लीजिएगा, क्लियर है। बात करते हैं अग्रबाहु की, तो अग्रबाहु को देखिए क्या कहते हैं, रेडियो अल्ना, देखिए अग्रबाहु से अल्ना याद करिएगा, अग्रबाहु से अल्ना कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, क्लियर है। और ऊपरी बाहु की बात करें तो ऊपरी बाहु से क्या हो जाएगा, ह्यूमरस, यानी कि दो, देखिए ऊपरी बाहु यानी हम अपने हाथ के जो ऊपरी वाला भाग होता है ऊपरी बाहु, उसी से तो हम अपना रस निकालते हैं, अपना रस नहीं फलों का रस निकालते हैं, क्लियर है, उसी से ही हम अपने लिए फलों का रस निकालते हैं ना, तो ऊपरी बाहु का क्या हो जाएगा, ह्यूमरस, तो यहां से दो हो गया। तो आप ये देखिए जांग से लेकर के ऊपरी बाहु तक सबकी सब कितनी हड्डियां हैं, दो ही हैं, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, एक याद रखेंगे सब याद हो जाएगा, क्लियर है। बात करें टखने की, तो देखिए टखना, देखिए टखना को हम लोग क्या कहते हैं, टार्सल, टखने का नाम क्या है, टार्सल, यहां से भी ट है, यहां से भी आप देख सकते हैं, क्लियर है। ये कितने रहते हैं यहाँ पे, 14 रहते हैं, कितने रहते हैं 14। बात करें यदि तलवा की, जो हमारा लास्ट है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था टखना है तलवा से रिलेट करता है कि नहीं करता है, तो जब रिलेट करे तो आप वहां क्या लगा देना, मेटा लगा देना, क्लियर है। और देखिए बाकी टार्सल हो गया, ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें भी कम ही हो रहे हैं, और जो ऊपर वाले में जब आप देख रहे थे 16 से 10 आ रहा था, इसमें भी कम ही हो रहे थे, क्लियर हो रही है मेरी बात। तो आप इसे आसानी से यहां से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें नंबर्स पूछा जाता है, तो आप इसे प्लीज याद रख लीजिएगा ताकि आप भूलने ना पावे और एग्जाम में आपका ये पूरा का पूरा आपको मार्क्स दिला सके। ये मैक्सिमम एक से दो नंबर के आपके रहते हैं, तो यदि आपको 5 मिनट में एक से दो नंबर मिल जाता है तो फिर आपको क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अदरवाइज आपका फायदा ही तो है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो हमारे नए व्यूअर हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, क्लियर। और जो भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।